भैया, हम आपके साथ फेक और झूठ मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे। चाहिए नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी होगी। एक ओके, ए, एक काम करो, नहीं मैं चाहिए कोई बात नहीं। सुन तो लो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ फिर आप। पच्चीस लाख की लॉटरी लगी है तो अभी फोन लगाते हैं भाई उसको, पहले चाय पीते हैं, देखते हैं फिर ट्राई करते हैं अगर उठाते शर्मा हैं। बात कर रहा हूँ। ये मैंने आपको विनर लोगों का वीडियो सेंड किया है और आपके पैसे का फोटो और वीडियोस भी मैंने आपको भेज दिया है। तो गाइस मैं अभी ये पासबुक की फोटोकॉपी लेके आ रखा हूँ, तो अब भाई इसकी एक फोटो खींचते हैं और भेजते हैं भाई उसे मम्मी के खाते पे। भेज दो इतना, ठीक है ना? इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो जी, और फोटो उतार के ना खींच दो, ठीक है? जी सर, जी सर, कैसा गढ़वाल में छू मैं फेमस हूं स्टार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल, दानू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज मैं फिर अपने घर में हूँ, तो आज सुबह सुबह मैं बैलों को ले गया था खेत में, तो सुबह भाई एक दो खेत जोत के अब भाई दूसरे खेत में भाई मुझे एक्चुअली में कुटकी के पौधे लगाने हैं, मतलब पौधे सराने हैं एक दूसरी जगह पर। तो हम चल रहे हैं अभी वहाँ पर, तो सुबह 8 बजे मैं खेत से आ गया था, अब चल रहा हूँ भाई नाश्ता करके, हाथ मुंह धो के फ्रेश होके। यहाँ पे हमको ये पौधे काटने हैं और इस वाले खेत में नीचे लगाने हैं सराहने, मतलब क्योंकि हमने इधर छोड़ा था ऊपर साइड को और यहीं से पौधे काट करके नीचे लगाएंगे इन्हीं में से, मतलब छोटा थोड़ा छोड़ देना पड़ता पौध के लिए अगले साल के लिए। तो अभी लगाते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे बैठे थे तो अभी मम्मी के उसमें एक मैसेज आया भाई अर्जेंट, तो मुझे लगा भाई क्या हो गया ऐसे मम्मी को, मम्मी ऐसे हल्ला कर रही है, मम्मी क्या हो गया इतनी जल्दी लट्टू फूटने लगी है। अच्छा मम्मी को तो भाई लट्टू इसका लॉक खोलो, क्या मैसेज है। एक्चुअली मैं दिखाता हूँ दोस्तों, अभी मम्मी की लॉटरी लग गई है 25 लाख की, तो अभी हम ये भावना भी आ गई, हम भी आ गए भाई, सुनते हैं देखते हैं भाई कैसे लगी है। तो अभी अभी दिखाता हूँ आपको दोस्तों कि कैसे लॉटरी लगी है मम्मी की। तो भाई दोस्तों क्या लगी है एक्चुअली में, क्या हुआ मतलब देखो, अभी एक मैसेज आया मम्मी को व्हाट्सएप के माध्यम से, भाई आपकी एक कितनी कितनी है मम्मी, 25 लाख मम्मी क्या भाई 25 बंद कर दे, 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है। तो अभी सुनाता हूँ दोस्तों कैसी लगी है। तो एक्चुअली में गाइस ये मैसेज आया है मम्मी को और देखो क्या बोल रहा है। सर मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से, व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, चुनान और सऊदी अरब, इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है, इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी से मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने आपका पैसा आपको देना है, इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी तो व्हाट्सएप से ही कॉल करनी है आपने, व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर व्हाट्सएप। तो गाइस अभी देखते हैं भाई, अभी इसका पता करते हैं
क्यों मम्मी इसको फोन लगाते ना, 1 करोड़ की लॉटरी कितनी 25 लाख की लॉटरी लगी है, तो भाई अभी इसको पता करते हैं। भाई हम तो भाई अभी खेत में काम कर रहे थे, हमने सुना भाई अचानक क्या लग गई 25 लाख की लॉटरी। मम्मी बोल रही मेरी तो 25 लाख की लॉटरी लग गई भाई। तो आप पता करते हैं इसके बारे में और आज देखते हैं इसकी 25 लाख कैसे मिलते हैं मम्मी को। तो बने रहे वीडियो के साथ और देखते रहिए आगे। अभी कॉल करता हूँ भाई इनको मैं, शर्मा जी और मैं चाय का मजा ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। शर्मा जी क्यों चाय मजा आ रहा है चाय पीने में। तो अभी भाई हम अभी अब एक कितनी 25 लाख की लॉटरी लगी है, तो अभी फोन लगाते हैं भाई उसको, पहले चाय पीते हैं, देखते हैं फिर ट्राई करते हैं, अगर उठाते हैं तो बात बन जाएगी इसमें। एक्चुअली मैं गाइस अभी उन्होंने भाई मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज छोड़ा है, उसको आपको सुनाता हूँ फिर दिखाते हैं। हेलो नमस्कार जी, आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ, आपके लिए गुड न्यूज सरप्राइज मैसेज है। आपका जो ये नंबर है, आपके इस नंबर पे लॉटरी लग चुका है 25 लाख रुपए का। KBC कंपनी कौन बनेगा करोड़पति से 25 लाख रुपए का आप लॉटरी जीत चुके हैं। अगर आप इस लॉटरी की पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। मिल रहे पैसे, आप ऐसा कीजिए जो आपके खाते का पासबुक है उसका फोटो उतार के मुझे सेंड कीजिए, सेंड करने के बाद दोबारा कॉल कीजिए, आपकी जो अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खाते का पासबुक का फोटो उतार के मुझे सेंड कर दो। और एक बात का खास करके ख्याल करना होगा, इस लॉटरी का अपने चर्चाबाजी पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं करना। आपका नंबर जो है अभी 200-400 रुपए का नंबर नहीं रहा, आपका नंबर 25 लाख रुपए का विनर बना है। आपका नंबर चोरी हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, और आपको लॉटरी लेने में दिक्कत समस्या हो सकता है। मेरा ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए और सुनने के बाद अपना जो खाते का पासबुक है उसका फोटो उतार करके मुझे सेंड कर दीजिए, मैं लाइन पे आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअली मैं गाइस मुझे अभी अपनी पासबुक की फोटो कॉपी भेजनी पड़ेगी, तो मम्मी पासबुक कहाँ है मेरे, लाओ तो जो जल्दी जाना, जल्दी लाना भाई 25 लाख रुपए हैं। भेज दो इतना, ठीक है ना, इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो जी, और फोटो उतार के ना खींच दो, ठीक है जी सर। जी सर कैसा, हेलो सेंड कर दो फोटो पासबुक की। एक्चुअली मैं सर मैं तो बकरी चलाता ना ऊपर, मेरे को तो ये घर में फोन आया था तब आए, मैं तो यहाँ उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ सर। जिधर से बोल रहे हो अपना फोटो उतार के भेज दो, पैसा लेना है तो ठीक है, फोटो सेंड कर दो। फोटो कैसे, पासबुक कौन से, स्टेट बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक की। हेलो जी सर, तो एक्चुअली मैं वो समझ गए भाई मेरी भाषा को। तो अब भाई इनको अभी मैं पैसे पहले भाई पासबुक की फ़ोटो भेजता हूँ, फिर देखते हैं भाई क्या करता हमारा। देखिए सही हटा हुआ इसको, ठीक है गाइस इसमें आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसमें ये पासबुक की फ़ोटो कॉपी भेज दी है। अब देखते हैं भाई क्या रिप्लाई आता है। ये मैंने पासबुक की इस मोबाइल में, एक्चुअली मम्मी के मोबाइल की थोड़ा स्क्रीन साफ दिखती नहीं है, तो इसमें दिख नहीं रहा होगा, मैंने पासबुक की फ़ोटो कॉपी भेज दी इसको। अब देखते हैं भाई इसका क्या रिस्पांस आता है मुझे, और बहुत आगे बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, और बने रहिए मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं तो भाई बैठा हूँ प्यार से, आप खाना खाने की तैयारी है, फिर देखते हैं ये क्या करता है और फिर मिलाता हूँ आपको। अब एक्चुअली मैं गाइस यहाँ से मुझे कुछ रिस्पांस मिला है, मुझे कुछ वीडियो भेजे इन्होंने, और कुछ ये देख सकते हो आप यहाँ पे इन्होंने मेरे को भेजे हैं कुछ नोटों के बंडल, मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई ये देखिए ये कुछ नोट करके, तो ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने ये इसने पैसे भेजे हैं, इसमें कुछ मैसेज भी आया है भाई, इसमें और क्या बोलते हैं ये। नमस्कार जी सर, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, गुड आफ्टरनून सर। ये देखिए आपकी अमानत हमारे पास पड़ी है, आपका बैलेंस एज ए प्रूफ के तौर पे हम भेज रहे हैं आपको, वीडियो बना के, आप कॉल नहीं उठा रहे थे, हम कॉल कर रहे थे आपको, ये आप अपना बैलेंस सर देख सकते हैं, पूरा कैश आपका सर पेमेंट रेडी है, पूरा 25 लाख रुपए आपका रेडी है, पूरा आप अपना बैलेंस देखिए, आपका पैसा
तो भाई कुछ ये मैसेज छोड़े हैं, मैं भाई अंदर बताया भाई बाहर पे दिख नहीं रहा था मोबाइल में, तो मैं अंदर ले गया था अभी कैमरे को। तो ये कुछ मैसेज आए थे इनके कंपनी से ऊपर से, मतलब इनकी ये इनके आकाश वर्मा के नाम से मुझे इसने सारे ये भेजे हैं, मतलब मैसेज भेजे हैं। इन्होंने बताया भाई इसने कि ये पैसे हमारे अब मेरे पास हैं करके, अब ये क्या बोलता है आगे मिलाता हूँ भाई, क्या क्या बोलते हैं भाई आकाश वर्मा जी हमारे लिए। तो आकाश वर्मा जी का मैसेज, सर आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपको विनर लोगों का वीडियो सेंड किया है और आपके पैसे का फोटो और वीडियोस भी मैंने आपको भेज दिया है, लेकिन आपके नाम पे जो चेक पास होगा फोर बैंक वेरिफिकेशन करेंगे उसका आपको ऑनलाइन टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा 9,000 रुपये, 9,000 आपको टैक्स देना होगा आपको चेक पास करवाने का। जो आपका चेक है ओपन है, चेक आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, आपके नाम पे पास होगा और पास होने के बाद आपके अकाउंट में जो मनी है ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसके लिए ना आपको 9,000 रुपये टैक्स डिपॉजिट करना होगा। तो काइंडली मुझे कन्फर्मेशन मैसेज दीजिएगा कि आप 9,000 रुपये कितनी देर में और कहाँ से डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका चेक है ओपन है, ओपन चेक को आपके नाम पे पास करवाने के लिए आपको सरकार को टैक्स देना होगा 9,000 रुपये। मुझे इन्फॉर्मेशन मैसेज 9,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा पहले सरकार को। कहाँ से आप डिपॉजिट करेंगे, आप गूगल पे फोन पे मनी ट्रांसफर कहीं से भी करवा सकते हैं, तो काइंडली बताइएगा आप कहाँ से कर रहे हैं। तो एक्चुअली में गाइस इसका कहना है भाई पहले आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा जो आपका पैसा स्टेट बैंक ऑफ मुंबई से ट्रांसफ़र आपके खाते में होगा, तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन इन्होंने कहा पहले सरकार पहले ही टैक्स मांग लेती है। तो गाइस आपने सुना कभी कि ट्रांजैक्शन से पहले सरकार टैक्स मांगती है? तो एक्चुअली में गाइस ये इनका फ्रॉड है, मैं पहले ही समझ गया था क्योंकि मेरे को 2-3 साल पहले ये मतलब ये ऐसी मैसेज आया था, तो हम लोगों ने उस समय पता कर लिया था भाई क्या होता है। तो आज मैंने आपको दिखाने के लिए मतलब ये मैसेज बनाया जानबूझ के। तो जैसे आज मम्मी का मैसेज आया तो मम्मी को भी बता दिया मैंने भाई ऐसा ऐसा होता है भाई, ये तो फ्रॉड चलता है, मम्मी को पहले से ही पता था। तो इनका ये फ्रॉड चलता है, ये लोग ऐसी मतलब फ़ोन के पहले आपको टैक्स के लिए पैसे मांग लेंगे, पहले बोलेंगे आप 9,000 रुपये या 10,000 रुपये या 200 कितने भी मांग सकते हैं। ये लोग बोलेंगे पहले भाई आप मेरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करो, फिर आप इनके जाल में जैसे आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये लोग उसके बाद कॉल ही नहीं उठाएंगे आपकी, या तो फिर बंद हो जाएंगे या ये नंबर ही बंद हो जाएगा उसके बाद 9,000 रुपये 8,000 रुपये। तो फिर आप इनके खाते में 9,000 रुपये, अब मैं सोच रहा हूँ भाई इनके खाते में 9,000 रुपये का एक फेक गूगल पे मैं भी भेज देता हूँ, लेकिन यार भाई मुझे मज़ा नहीं आता है ऐसे फेक काम करने में। तो हो सक कर तो मैं भी सकता था अभी भाई एक फेक स्क्रीनशॉट गूगल पे का भेज सकता था, लेकिन भाई मुझे मज़ा नहीं आता आएगा यहाँ पे आपको भी दिखाने में। ये पैसे अब ने मेरे खाते में भेज दीजिए, अब मैंने तो भेज दिया है, फिर खाता नंबर भेज दिया है, टैक्स भी उसमें से काट लीजिए ने, तभी तो बोल रहा हूँ आपको आप भेज दीजिए पैसे, या तो मैं लेने आ जाता हूँ आप जहाँ बोलेंगे वहाँ। मैडम ये अभी 25 लाख की लॉटरी लगी है, तो मेरे को ये दिया था ना खाता नंबर दिया था हमने यहाँ पे। खाता नंबर मैसेज किया, दोबारा बात हुई जी उनसे बात हुई थी मेरी। फिर वो क्या कह रहे थे? फिर वो कह रहे थे कि भाई वो मतलब अकाउंट भेज दो, फिर 9,000 रुपये भेजने को बोल रहे थे, 8-9,000 रुपये इतने बोल रहे थे वो। हमने बोला भाई मेरी ओर से बात सुनो, आप सर पढ़े लिखे हो ना? जी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हो, मेरी गौर से बात सुनो, हम कंपनी वाले आपसे 1 रुपया भी ले रहे, आपकी फाइल कर खाते का टैक्स है, किस किस व्यक्ति को लॉटरी लगी है उस व्यक्ति ने टैक्स पे किया, जो आपका 25 लाख है वो है ओपन चेक, ओपन चेक उसको कहते हैं, वहां से 1 रुपया भी नहीं कटा तो वो कैसे पीछे से आएगा, ऐसे आपके खाते में लगाया जाएगा। जो आपका 25 लाख है इसको 100% कहते हैं, पैसा बिल्कुल रेडी है, लास्ट मोमेंट आपकी देनी है, आपके साथ फेक और झूठ मजाक बिल्कुल नहीं करे, टैक्स आपको पे करना पड़ेगा जी। तो चाहिए चाहिए वो आपकी मर्जी होगी जी, कैसे करना पड़ेगा टैक्स? मेरी बात सुनो, मोबाइल से गूगल पे चलाना आता है आपको? जी मैडम मेरे को तो गूगल पे क्या होता है, गूगल पे नहीं चाहता इसको ये, हम तो पहाड़ में हम तो पहाड़ में रहते हैं ना, यहाँ पे बकरियों के साथ रहता हूँ, हम तो बकरियाँ चलाता हूँ। अभी छोटा भाई बात कर रहा था, कोई बात नहीं। मेरा तो छोटा भाई बात कर रहा था ना, इससे पहले छोटा भाई बात कर रहा था ना। ओके कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, पास में कोई दुकान हो
जी एक तो दुकान हो सकती है इधर। हाँ दुकान से भी हो सकता है ये टेस्ट, जो पैसा भेजते हैं ना किसी रिश्तेदार को कभी भेजा तो होगा ना। जी जी भेजा है मैंने, नंबर पे आपने जी, हाँ 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 मैं अपने वहाँ नीचे भेजते रहता हूँ अपने दोस्तों के लिए पैसा कभी कभी ना बैंक में। हाँ कभी भेजते रहते हो, बस ऐसे ही भेजना है, वो नंबर आपको मैसेज करूंगा उस नंबर पे आपने भेजना, वो आपको बच ही देगा, उसका फोटो खींच के आपने भेजना है। भैया अच्छा। मेरी ओर से बात सुनो, अच्छा। मैं आपके साथ फेक और झूठ मजाक बिल्कुल नहीं करी, जो आपका अच्छा मिलेगा भी कैसे टैक्स पे करोगे, 15 मिनट के अंदर अंदर खाते में पैसा लगाया जाएगा, लास्ट मोमेंट आपकी देर गया, पैसा बिल्कुल रेडी है, बताओ आप। जी ये मैडम आप कहाँ से बात कर रहे हो? केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से, बम्बई बांद्रा से नीता शर्मा बात कर रही हूँ। जी मैडम मैं अभी पैसे ट्रांसफर करूँ, किस में करूँगा मतलब यहाँ से? हेलो शॉप से पहुँच के मैं आपको नंबर मैसेज करूँगी, उस नंबर पे आपने करना, खाता नंबर या फोन पे नंबर मैसेज करूँगी, खाता नंबर उस खाते में आपने ही पैसा करना। अच्छा कैसे आप कैसे आपके दोस्त भेजते हैं, खाता नंबर होगा उनका भी? जी 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 खाता नंबर भेजते हैं, उस खाते में आपने करना है। जी जी मैं तो खाते में ही भेजता हूँ ना उनके। हाँ खाता ही भेजूंगी आपको, मैं खाता नंबर। जी 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 मैडम ये बताइए ना मुझे, ये जो ये कॉन्टेस्ट है आप जो ये केबीसी है, ये कोई जीता आज तक, मतलब कोई किसी के खाते में पैसे आए क्या? मेरी बात सुनो, 100% पैसा आया है, मेरी बात सुनो, आपको विश्वास नहीं है, जो वीडियो भेज गया वीडियो भी देख सकते हो, दूसरी बात सर के पास वीडियो कॉल करके फेस टू फेस पैसा भी देख सकते हो, हम आपके साथ फेक और झूठ मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे। दूसरी बात क्या? कैसे टेस्ट पे करोगी, 15 मिनट के अंदर अंदर खाते में पैसा लगाया जाएगा। क्या मैडम मैं गूगल क्या आपको वीडियो कॉल कर सकता हूँ क्या यहाँ से? हाँ काश शर्मा सर को वीडियो कॉल कर सकते हो, अपना पैसा देख सकते हो आप। अच्छा उनके पास इतने पैसे वहीं पे पड़े होंगे ना? हाँ वो सर बैंक मैनेजर है ना, वो आपका पैसा लगाएंगे ना, अपना चेक भी देख सकते हो आप, पैसा भी देख सकते हो, कोई बात नहीं, वो टेंशन की बात नहीं भैया, फेक मेरी बात सुनो, टेंशन हो ले कौन सा फेक करा झूठ करा, आपका पैसा तो दिखाई है हमें, क्या डर है भैया बोलो। एक काम कर लो मैडम, मैं भी आप जैसा ही हूँ। मैं भी आप जैसा ही हूँ। क्या कह रहे हो? अरे मैं भी आप जैसा ही हूँ, मतलब ऐसी चोर डकैती हूँ मैं भी। भैया हम आपके साथ फेक और झूठ मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे, चाहिए नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी होगी। एक ए, एक काम करो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, सुन तो लो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ फिर आप। तो फाइनली गाइस मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप इस प्रकार के झांसों में कभी ना फंसे, क्योंकि भाई हम तो भाई अभी क्या है थोड़ा सा हमको अंदाज भी है पढ़े लिखे में थोड़ा सा, तो हमको तो पता चल जाता है भाई अगर कोई आपको पैसे डालने के लिए बोलता है या फिर आपकी OTP मांगता है, मतलब वन टाइम पासवर्ड आता है आपके नंबर पे, या फिर आपका ATM पिन मांगता है, तो हमको तो पता चल जाता है। लेकिन आप अपने घर वालों को भी अवेयर कीजिए और उनको भी बताइए भाई ऐसे झांसों में ना पड़े, मतलब खास करके हमारे पहाड़ी लोग जो जहाँ यहाँ की भाई महिलाएं थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं हमारे यहाँ की, तो उनको अंदाज़ा नहीं रहता, ये लोग भाई ऐसे ही बता देते हैं भाई अपना अकाउंट नंबर भी, जो मैंने अभी अकाउंट नंबर वो डेड अकाउंट दिया था उसका, उसको भी जो दिया था वहाँ पे मोबाइल में डाल रहे हैं, तो ये मतलब फ्रॉड होते हैं, कोई आजकल भाई फ्री का पैसा किसी को भी नहीं देता है ना, OTP हो गया या फिर अपना ATM का पिन हो गया या फिर अपना वो इस पे मोबाइल पे जो OTP वो आता है OTP आता है, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर या फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर, मतलब ऐसी शेयर मत कीजिए किसी को भी, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, बताइए अपने दोस्तों को समझाइए। तो शोभन दानू ब्लॉग्स में आज के लिए इतना भाई, बहुत मजे कर लिए और मिलते हैं भाई कल नए ब्लॉग्स के साथ, और सपोर्ट कीजिए भाई भाई को और शेयर कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और मुझे सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, तो बने रहिए, और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।